इस मकसद को हासिल करना है। वो मकसद क्या है जिसको हमने हासिल करने जिंदगी में, वही हमारी जिंदगी का मकसद है, वही कामयाबी है, वो है रज़ाए इलाही। अल्लाह को राज़ी कर लें, जब अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो हमारी बख्शिश हो गई। हमारी बख्शिश डिपेंड करती है अल्लाह की रज़ा पर, नमाज में नहीं करती, इबादत पे नहीं करती। इबादत ये ज़रिया है, अगर उन इबादत से हमें मकसद मिला है तो फिर इबादत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर उस इबादत से हमें ये मकसद नहीं मिला, अल्लाह की रज़ा नहीं मिल रही, उस जिक्र से हमें रज़ा नहीं मिल रही अल्लाह की, तो वो जिक्र बेकार हो जाता है, इबादत बेकार हो जाती है। मकसद तो वो जो हासिल करे आदमी, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए क्या है, वो रज़ा इलाही, अल्लाह राजी हो जाए, असल मकसद ये है हमारा, हमें नसीब हो जाए। इसलिए सारी इबादत हम करते हैं। तो अल्लाह सुबहान ताला ने आज की रात में इस मकसद को रखा है। दरअसल बात ऐसी है कि हम लोग कमज़ोर हैं, नफ्स हमारे साथ है, शैतान जकड़ा हुआ है, और इस अल्लाह ने हमें इम्तहान के लिए ये सब कुछ किया है। ये हमारा इम्तहान है, ना कुछ भी ना तो हमें फरिश्ते बना देता, कोई इम्तहान ना होता। ये हमारे मकसद को पाने में सबसे बड़ी रुकावट है ये चीज़ें। तो अल्लाह बड़ा करीम है, उसने हमारी मदद फरमाई, फेवर किया हमारे साथ। ये पता है कि आदमी फिसल जाते हैं, फिर गुनाह कर बैठते हैं, फिर मुझे नाराज़ करते हैं, हर वक्त अल्लाह को नाराज़ करते रहते हैं। कोई ना कोई नाफरमानी होती है, अल्लाह फिर नाराज़ हो जाता है। हर वक्त हमारा यही काम है, नमाज पढ़ते हैं राजू हुआ, फिर हमने उसको नाराज़ कर दिया। तो अल्लाह ताला चाहता नहीं कि जो मुझ पर ईमान ले आया हो शख्स, उसको मैं जहन्नुम में भेजूँ। तो अल्लाह पाक ने ऐसा इंतज़ाम किया उसके लिए कि मखसूस कुछ रातें दे दी, कुछ मजालिस दे दी, कुछ हालात ऐसे बना दिए कि अगर वो उनको पालेगा, उनको हासिल कर लेगा, तो अल्लाह कहता है फिर मैं राजी हो जाऊंगा उससे। जो उस रात को पाएगा, उस घड़ी को पालेगा जिसमें मैंने वो मकसद बंद किया है, कोई शर्त उसकी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक काम उसने करना है, चाहे किस हालत में वो है, एक काम वो करे, क्या, कोई शर्त नहीं अल्लाह रखी। जहां भी है, जिस जगह भी है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में, किसी मुकद्दस जगह की शर्त अल्लाह पाक ने रखी, वो खड़ा होकर वहां आजीज के साथ एक दफा कह दे कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, बस कितना रहीम है। सारे शैतान नफ्स के जालों को खत्म कर देते हैं, एकदम उसकी रहमत के साथ आवाज आती है उसकी कि तूने माफी मांगी मुझसे या मैंने तुझे माफ कर दिया। इबादत बहुत करने लगते हैं, सजूद बहुत करते हैं, इन चीज़ों से अल्लाह राजी नहीं होगी। रिश्वत है अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला कहा मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि तू एडमिट कर तू मुझे मैं गुनाहगार है और मुझसे माफ़ी मांग रहे, माफ़ कर दूंगा तुझे। आज की रात थल्ले लगने वाली बात है, नीचे लग जाए हर एक इंसान के। आज आजिज़ी चाहिए, इंकसारी चाहिए, झुकना चाहिए। आज अगर तकब्बुर किया, नहीं मैं इससे माफ़ी क्यों मांगू, मैं इससे क्यों कहूँ ये तो नहीं, मुझसे नहीं होता, बस हो गया काम से। आज एक झुक जाना चाहिए, छोटा भी कोई आपसे कितने छोटा है कि यार माफ़ कर दूँ, तुम माफ़ करो तो रब माफ़ कर देगा, ये बड़ी इबादत हो गई, सबसे बड़ी इबादत हो गई। लेकिन आज आप किसी से नाराज होके, आज आप किसी से नाराज होकर रात को ख़त्म करते हैं, सुबह करते हैं, ये कितना बड़ा चांस अल्लाह ने जो हमें दिया था, हम ज़ाय करते हो, पूरा साल इंतज़ार करो फिर कहाँ जिंदगी, फिर कहाँ मौत, इंसान की पता चलता है। इतना बड़ा चांस, गुनाह माफ, तो भाई शुक्र ना करे बंदा, अल्लाह ताला कहे बड़ा बदतमीज आदमी थी, इतना कुछ मैं इसको दे रहा हूं उसको शुक्र नहीं आता।
और शुक्र का अल्लाह ताला ने कहा कि शुक्र सिर्फ एक ही तरीके से मैं कबूल करता हूं, मुझे वही रास्ता बहुत बहुत पसंद है, वो क्या है? जिक्र अल्लाह, जिक्र के साथ शुक्र है और शुक्र के साथ जिक्र है। कि जब भी आप चाहें अल्लाह ताला का किसी मामलात में किसी नेमत पे शुक्र करना, तो उसका वाहिद एक तरीका है, वो क्या है? जिक्र करो उसका।